महिला कैंडिडेट की फोटो छापी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। हमें दिल्ली में तो हम सोच भी नहीं सकते कि मीडिया इतनी हिम्मत दिखाएगा। यहाँ आपने आज भी छापा, रोज उज्ज्वला उज्ज्वला करते हुए प्रधानमंत्री जी बेचारे बोल के चले जाते हैं, आप लोग फिर दूसरे दिन उनकी बात को काट देते हो कि देखिए चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। तो कहाँ चूल्हा रहित हुआ हमारा प्रदेश, ये भी बता के जाते। आज एक बड़ी अजीब बात लगी मुझे, जाति की बात राजनीति में करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, हम इसको गलत मानते हैं। जैसे कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, वैसे यह भी कहते हैं कि जिस परिवार ने दो दो प्रधानमंत्री शहीद कर दिए उसका आप गोत्र पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शर्म आ गई हमें, इस देश की संस्कृति को समझिए। क्या शहीद भगत सिंह का कोई गोत्र पूछता है? अरे मंदिर में उन्होंने गोत्र बताया, लिख दिया, खत्म हुई बात। शाहनवाज जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे परिवार से के गोत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसने दो शहीद दिए। राजनीति आपकी एक तरफ, कम से कम देश के शहीदों का अपमान न करिए। यह वो देश है जहां गुरु अपने शिष्य को अपना गोत्र दे देता है। हमारी यहां वैदिक सनातनी संस्कृति है, उसका अपमान मत कीजिए। राजस्थान की पावन धरा पर आकर उसका अपमान बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा लगता है कि अब ये इनको हार जब सामने दिख गई तो इनका मानसिक संतुलन हमारे विरोधी दल का थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जो इस तरह की अनर्गल बातें करने लग गए। सुबह से शाम तक कभी गोत्र पूछ रहे हैं, कभी पूरे परिवार का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर उत्तर चाहिए। राजस्थान की जनता सिर्फ रोजगार के आंकड़े मांगती है, जो प्रधानमंत्री से लेकर शाहनवाज हुसैन तक कोई नहीं दे पाता। और राजस्थान की जनता चुपचाप ये सब देख रही है कि आप उत्तर नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है। आपके कुछ प्रश्न हो तो हम तो साहब उत्तर देने बैठे ही रहते हैं, बताइए। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आदित्यनाथ जी टोंक गए क्या यूनुस खान जी के लिए प्रचार करने? पूछिएगा उनसे क्यों नहीं गए, क्या वो भाजपा के नहीं है? फिर जब वहां जाए तो उनको बोलिएगा वहां इस तरह की जुबान बोल के दिखाए। इस तरह की जुबान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और राजस्थान तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी एक इंद्रधनुषी संस्कृति है, इस संस्कृति का ज्ञान राजनेताओं का हो ना हो योगियों को होना चाहिए। हम अपने तमाम यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स से, हमारे यहाँ के अनुभवी राजनेताओं से लगातार चर्चा करके उसमें पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। यहाँ के लिए भी करवा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी कराया है, तेलंगाना के लिए भी कराया है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे पर कांग्रेस का रिकॉर्ड देखने योग्य है। यह कांग्रेस पार्टी है जिसकी यूपीए सरकार ने पूरे देश में ऋण माफी की थी, सफलतापूर्वक की थी, और कई लोगों को, कई किसानों को बर्बादी के कगार से बचाया था। तो हम अगर कोई बात करेंगे तो उसमें वजन होगा, बिना वजन के कोई बात नहीं करेंगे। देखिए ये चुनाव पार्टियां लड़ रही हैं, ये चुनाव वोटर लड़ रहा है, और जब चुनाव वोटर लड़ने लग जाता है तो ये सब बातों का महत्व समाप्त हो जाता है। तब वोटर सिर्फ और सिर्फ एक मंशा लेकर ये चुनाव लड़वा रहा है कि कैसे इस सरकार को हटाया जाए और कांग्रेस की सरकार को लाया जाए। नहीं, ये काम हमारा नहीं होता। मध्य प्रदेश में उन्होंने पूरी इंतजार की हमारे मैनिफेस्टो से, फिर नकल और कर दी, और नकल में अकल भी नहीं दिखाई। हम इस तरह के लोग नहीं है, हम जुमला पत्र नहीं निकालते। आ जाएगा, अभी तो रोज इतने मुद्दे आपको रोज आकर इतना मनोरंजन कर रहे हैं, बाहर से आकर लोग, कभी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, कभी मोदी साहब खुद कर रहे हैं। तो आप थोड़ा, चुनाव एक त्यौहार होता है, इसमें रोज नया नया एक मनोरंजन होना चाहिए, होने दीजिए। फिर ये बड़ी गंभीर विषय है, गंभीर विषय बहुत जल्दी आपके सामने लाएगा। की भांति
आज भी तथ्यों से बहुत परे। आपके सामने उन्होंने आंकड़े रखे, क्योंकि हम बार बार उनको कहते हैं मुद्दों पर आइए, तो लड़खड़ाते हुए मुद्दों पर आ तो जाते हैं, लेकिन तथ्य पेश करने में घबराते हैं। आयुष्मान भारत की उन्होंने आज बात की कोटा में। कोटा में मैदान भी बड़ा छोटा चुना, मैदान की जगह छतों पर लोग खड़े कर दिए ताकि ऐसा लगे बहुत सारे लोग थे। आयुष्मान भारत नामक जो योजना है स्वास्थ्य की, उसमें कुल जो पैसा सरकार ने आवंटित किया है वो 2000 करोड़ है पूरे देश के लिए, और उसमें कई शर्तें रखी गई कि अगर आपकी आय 10,000 है या अगर आपके पास कोई वाहन है, ऐसी कई शर्तें हैं, तो आप आयुष्मान भारत में नहीं कवर होंगे। वो तमाम शर्तें देखकर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 40 रुपये प्रति मरीज आयुष्मान भारत में आवंटित किया। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ खड़े होकर बोला, राजस्थान में आकर, कोटा में आकर, कि 3 लाख लोग सर्जरीज करा चुके हैं, प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी करा चुके हैं। ये आंकड़े वो कहाँ से लाए इसकी जानकारी हमें नहीं, वो स्वयं बता देते तो अच्छा रहता। देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की जमीन पर आकर एक के बाद एक असत्य बोले तो वो शोभा नहीं देता। एलईडी बल्ब्स की बात की कि कोटा में एलईडी बल्ब सबसे पहले इन्होंने लगाए, ये बताना भूल गए कि इसी अगस्त को श्रीनाथपुरम नाम की इलाके में कोटा में लोगों ने अपने मीटर गुस्से में आकर उखाड़ उखाड़ कर फेंके, बिजली के मीटर, ये बताना फिर भूल गए या बताना उचित नहीं समझा। कहते हैं 36,000 किलोमीटर सड़कें, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई सड़कें 36,000 किलोमीटर बन गई। हम आंकड़ों से ही बात करते हैं, हम हमेशा तथ्यों पर बात करते हैं। नई सड़कें 15,555 किलोमीटर बनी है। प्रधानमंत्री जी कम से कम आंकड़े देखकर बोला कीजिए। बड़े रोचक आंकड़े हम आपके सामने लाए, जो अपग्रेडेशन, जो उन्नयन कहते हैं सड़कों का, जो कांग्रेस की सरकार 2008 से 2012 के बीच में 10,315 किलोमीटर का उन्नयन किया था, वसुंधरा जी की सरकार ने 97 किलोमीटर का किया था। ये अंतर देखिए कितना जबरदस्त अंतर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी वेबसाइट से लिए गए आंकड़े हैं। हम अपने कार्यालय मुख्यालय में बैठकर आंकड़े नहीं जनरेट करते जैसे कि ये लोग करते हैं।